तो गाइस अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी में ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए और मिलते हैं बाद में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है मुकुंद क्राफ्ट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है तो इसलिए हम लोग को डेकोरेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसलिए आज मैं विष्णु जी का चक्र बताने आया हूं, सुदर्शन चक्र कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम लोग को चाहिए न्यूज़पेपर जो पहले से यूज हो चुके हैं, येल्लो कलर का A4 साइज पेपर, पेंसिल इरेजर, सीजर, आप या तो ग्लू स्टिक ले सकते हैं या फिर ग्लू टेप। तो फिर सबसे पहले हम लोग अपने न्यूज़पेपर को आते हैं सबको। तो फिर हम लोग ने अपने न्यूज़पेपर को ले लिया। अभी हम लोग जो ये वाला पोर्शन है ये एक ऐसे टोटल 4 काट लेने हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर के 4-4 टुकड़े कर दिए हैं। तो पहले हम लोग सबको हटा देते हैं और फिर एक न्यूज़पेपर पे आते हैं। इसका हम लोग को करना क्या है, ऐसे पूरे इसको फोल्ड कर लेना है और लास्ट में जाके इसको अपने फेवी ग्लू या फिर नॉर्मल फेवी स्टिक से चिपका लेना है। ऐसे हम लोग को पूरा प्लास्टर करते जाना है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने फोल्ड करके ले आया है, अभी इसको हम लोग ग्लू से चिपका लेते हैं। ऐसे हम लोग ने इस पूरे को चिपका लिया। अभी हम लोग को ऐसे 8 स्टेप्स बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं। ऐसे काउंटिंग भी कर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने 8 स्टेप्स बना लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन सबको हम लोग साइड में रख दे और फिर हम लोग उनमें से एक स्टेप ले लेते हैं। उसका क्या करना है, हम लोग को ऐसे स्पाइरल टाइप से बनाना है। स्पाइरल का वो हल्का सा उसमें बीच में जगह होना चाहिए जिसके बीच में से हम लोग उंगली निकाल पाए। ऐसे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्पाइरल के बीच में से जगह है, तो फिर उसमें से हम लोग उंगली अपना आराम से निकाल लेंगे। नहीं तो स्पाइरल नहीं होता है, मतलब स्पाइरल के बीच में जगह नहीं होता है, तो हम लोग को पूरा छेद करना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। ऐसे हम लोग इसको पूरा एंड तक करते जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको पहले ग्लू से यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो हम लोग को ग्लू को ऐसे इस पे लगा लेना और इसको ऐसे चिपका लेना। फिर हम लोग को दूसरा स्टिक लेना है और इसके ऊपर से ही इसको ऐसे रोल करने लग जाना है। और ऐसे ही हम लोग को सारे के सारे स्टेप्स रोल करते रहने हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने रोल करके यहाँ तक इतना लंबा बना लिया है, तो अब हम लोग इसको ग्लू से चिपका लेते हैं। हम लोग ने ग्लू लगा लिया और फिर इसको ऐसे, बहुत बढ़िया हम लोग ने ये कर दिया। तो चलिए अभी आगे का और देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने एक टेप का स्ट्रिप लिया है और इसको यहाँ पे अच्छे से चिपका लिया है। तो चलिए जिससे कि ऐसे व्हील की तरह निकल ना जाए, हम लोग इसको अच्छे से टेप से चिपका देंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग ने देखा था कि ऐसे व्हील की तरह निकल जाता है, इसलिए हम लोग को टेप लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर हम लोग इसको ऐसे लेके पहले इसको टेप को अंदर से निकाल लेते हैं। इतने को पहले मैं यहाँ पे चिपका लेता हूँ और इसको अंदर से हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो गाइस, हम लोग ने अंदर से टेप को घुसा दिया और यहाँ पे इसको अच्छे से चिपका देते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा टेप था जिसको हम लोगों ने कट कर लिया। तो गाइस, हम लोग का चक्र ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो फिर अब हम लोग को क्या करना है, जो हम लोगों ने ये येलो वाला पेपर लिया था उस पे ऐसे 2 चक्र के निशान बना लेने हैं। मैं पूरा पेंसिल से बना लेता हूं। ऐसे
ऐसी पूरा हम लोग को बनाते जाना है। बस ये पूरा होने वाला है, हो गया। थोड़ा गंदा दिखने में पर कट करने के बाद नॉर्मल सा हो जाएगा। हम लोग को ऐसा ही एक और बना लेना है। तो गाइस, हम लोगों ने जैसे इसके दो दो शेप एग्जैक्ट ले लिए, ये देखने में थोड़े गंदे हैं पर कट करने पे चिपकाने पे एकदम साइज के रहेंगे। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे दोनों सर्कल्स कट कर लिए हैं, जिससे कि हम लोग स्पाइक्स भी निकले, नहीं तो थोड़ा गंदा लगेगा। ये हम लोगों ने इस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए लिया। मैं ये स्पाइक्स के बारे में बोल रहा था। हम लोग जो दूसरा पेपर है हम लोग का, या फिर वो जो पुराना वाला पेपर है, उसी को लेना है और उसपे डिट्टो का डिट्टो एक और ऐसे बना लेना है। पर जब सर्कल बन जाएगा उसको कट नहीं करना है, उसके बाहर ही से स्पाइक्स बना लेना है और उसको स्पाइक के साथ कट करना है। और फिर जब दो बन जाएंगे उसके आगे पीछे से चिपका देना है। इनको भी चिपकाएंगे जिससे कि थोड़ा हार्ड बने, ये नहीं कि ऐसे फेंका एकदम कमजोर सा। तो फिर सबसे पहले हम लोग इस वाले को यहाँ पे चिपका लेते हैं। हम लोग अपना ग्लू ले लेते हैं। फिनिशिंग के लिए हम लोग टेप का यूज करेंगे। ऐसे ही करते जाते हैं, इस पूरे में ग्लू लगा लेते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने ग्रिस में पूरे में ग्लू लगा लिया। अभी हम लोग इसको इस पे से रख देते हैं और इसको पूरा चिपका देते हैं। ऐसे एकदम इस पे से चिपका लिया। देखिए, आप लोग तो देख ही सकते हैं, ऐसे बाहर में हमने इसको पूरा चिपका लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज को चिपका लेते हैं। भले ही ये ज्यादा जगह नहीं कवर कर रहा है, हल्का सा जगह बाकी रह जा रहा है, पर उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि बाद में जब हम लोग स्पाइक्स वाला पेपर चिपकाएंगे तब तो वो ढक ही जाएगा, मतलब कवर हो ही जाएगा। इसके बीच में से उंगली निकलना है। हाँ, बहुत अच्छे से। इसके पहले आप अपना उंगली निकाल के इन पेपर के बीच में से चेक कर लीजिएगा, पता चला बीच ही मतक जाए। मेरा निकल रहा है, काफी होगा ना इतना? हाँ, इतना काफी होगा। देख लो वापस। मेरा तो एकदम अच्छे से हो गया। इसमें वापस ग्लू लगा लेते हैं। करते जाओ करते जाओ। जिस साइड में हल्का बहुत भी पेंसिल का मार्क आ गया होगा उसको नीचे की तरफ रखिएगा, जिससे कि उतना पोर्शन कवर हो जाए। बाहर की तरफ साफ होना चाहिए। थोड़ा तेरा मेरा है, पर मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो गाइस, हम लोगों ने इसमें ये चिपका लिया। अभी उल्टे तरफ भी चिपका लेते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने आगे पीछे सब जगह इसको लगा लिया है। तो हम लोग वापस पेपर ले लेते हैं, वापस निशान बना लेते हैं, पर एक बार चेक कर लेते हैं उंगली में। हाँ, बहुत बढ़िया हुई हुई। तो फिर अब इसको ले लेते हैं, ऐसे रखते हैं, वापस दो निशान बना लेते हैं। इसको बंद कर, ढक्कन कहाँ है? तो गाइस, अब हम लोग इसको ऐसे प्लेस कर लेते हैं। हम लोग स्पाइक्स थोड़े छोटे बनाएंगे, जिससे कि थोड़ा ऐसे लगे, नहीं तो एकदम लंबा लंबा अच्छा नहीं लगता। एक बन गया। तो गाइस, हम लोग को ऐसे ऐसे स्पाइक्स बनाते जाना है पूरे इस चक्र पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने टोटल दोनों चक्र बना लिए। अब इसको कट कर लेते हैं। देखिए गाइस, हम लोगों ने ऐसे स्पाइक्स के साथ इसको ऐसे कट कर लिया। अभी मेन क्या करना है, इसको बस इस पे ऐसे आगे पीछे चिपका देना है और बस हम लोग का बन गया चक्र। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने इसको एकदम अच्छे से चिपका दिया है। तो चलिए अब इसको उंगली में लगा के दिखाते हैं। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरे और ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कॉमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।